अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आप सब कैसे हो? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आप सब की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। अब सुबह के 10 बज रहे हैं और अम्मी यहाँ पर सुबह रोटियाँ बना रही है फ्रेंड्स नाश्ते के लिए। मैं अब अम्मी के घर पर आई हूँ और आज मुझे मैसूर जाना है। हम सब मिलकर मैसूर जा रहे हैं फ्रेंड्स, तो जल्दी से नाश्ता कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। मैसूर में हमें थोड़ा सा काम है और मुझे हॉस्पिटल भी जाना है, तो जाकर वहाँ पर मिलती हूँ आप सब लोगों को फ्रेंड्स। अब हम घर से निकल रहे हैं, अब करीबन 12 बज रहे हैं फ्रेंड्स, तो मैं, अम्मी, नबील, फूफो हम चारों जा रहे हैं मैसूर। अस्सलाम वालेकुम। अब हम रास्ते में हैं, अम्मी फूफो दोनों बातें कर रहे हैं पीछे और मैं और नबील यहाँ पर बातें कर रहे हैं और वीडियो ले रहे हैं यहाँ पर। जल्दी से अब मैसूर जा रहे हैं। अब हम सबसे पहले यहाँ पर अपोलो हॉस्पिटल आए हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर बिल पेमेंट करने जा रही हूँ ब्लड टेस्ट करवाने के लिए, और उसके बाद ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट 2 आवर्स में आ जाएगी, और उसके बाद 2 आवर्स के बाद डॉक्टर को दिखाकर निकल जाएंगे यहाँ से। अब यहाँ पर 2 आवर्स हो गए हैं और अब यहाँ पर जल्दी से रिपोर्ट लेने के लिए नबील सामने जा रहा है यहाँ पर। अब रिपोर्ट लेके डॉक्टर के पास दिखा के निकल जाएंगे फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है यहाँ पर। अम्मी और फूफो कार में वेट कर रहे हैं दोनों, यहाँ पर मैं और नबील हॉस्पिटल में हैं। मेरी रिपोर्ट आ गई है और अब हम यहाँ पर OPD के बाहर बैठे हैं, अब अंदर जाकर दिखा कर निकल जाएंगे फ्रेंड्स। अब हॉस्पिटल का सारा काम हो गया है और अब जा रहे हैं गोल्ड ज्वेलरी शॉप। हम यहाँ पर ज्वेलरी के दुकान पर आ गए हैं और अब अंदर जा रहे हैं फ्रेंड्स। मुझे थोड़ा सा यहाँ पर काम भी था और मेरा नेकलेस भी थोड़ा सा वो सेट करवाना था, थोड़ा लूज़ हो गया था वो, तो मैं यहाँ पर आई हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पर मैसूर में जो मुंजल होते हैं ना, बहुत ही अच्छे टेस्टी टेस्टी मिलते हैं फ्रेंड्स, तो मैं और नबील यहाँ पर ले रहे हैं। ये जो मुंजल होते हैं ना, वो अम्मी फूफो सबको बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये ले रहे हैं हम। हम लोगों ने लंच भी नहीं किया है, अब हम खाला के घर पर जा रहे हैं क्योंकि उनका कॉल आया था कि लंच बना दिया है, तो हम वहीं पर जाकर लंच कर लेंगे फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा भूख भी लग रही है। तो अब चलिए, अब हम खाला के घर पर आ गए हैं, बहुत ज़्यादा भूख भी लग रही थी और अब यहाँ पर लंच कर रहे हैं फ्रेंड्स। लंच करने के बाद यहाँ पर सब लोग चाय पी रहे हैं। यहाँ पर हॉल में मैं और नबील बैठे हैं और अंदर वहाँ पर अम्मी, फूफू और खाला तीनों बातें कर रहे हैं बैठकर, और सब लोग चाय पी रहे हैं। अब थोड़ी देर में मालवाली के लिए निकल जाएंगे फ्रेंड्स। कहाँ जा रही सो? ओके बाय। वैसे फ्रेंड्स, हम यहाँ पर मैसूर आए थे, थोड़ा काम था, गोल्ड ज्वेलरी शॉप में गए थे और वहां से मैं हॉस्पिटल भी चले गई। हॉस्पिटल से फिर यहाँ पर खाला के घर पे आए हैं और यहाँ पर लंच सब कर लिया है। वैसे अब शाम के 7 बज रहे हैं फ्रेंड्स, अब यहाँ से निकल रहे हैं हम। नबील, हम यहाँ पर नबील के साथ आए थे, नबील, फूफू, अम्मी और मैं, हम चारों आए थे।
यहाँ पर देखिए नबील भी आया है। नबील, नबील के साथ हम कार में आए हैं। नबील मत शर्माओ, इधर आओ नबील। बिल क्यों शर्मा रहे हो, तो देखो इधर देखना, कुछ बोलो हाय YouTube फैमिली को, हाय YouTube फैमिली, बोलो सीधा बोलो बोले ना। क्या? अब हम यहाँ पर मीना बाज़ार आए हैं। मैसूर में बहुत ही अच्छे अच्छे चीज़ें मिलते हैं यहाँ पर। तो हम यहाँ पर व्हेल्स लेने के लिए आए हैं फ्रेंड्स, तो चलिए अंदर चलते हैं। यहाँ पर मीना बाज़ार में बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं फ्रेंड्स। बुरखे भी इधर तरह तरह के मिलते हैं, और बुरखे के जो व्हेल्स होते हैं वो भी मिलते हैं, कपड़े वगैरह सब कुछ मिल जाते हैं इधर। ये कॉटन का दुपट्टा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इसका फैब्रिक 200 रुपीस है ये। और यहाँ पर नाइटीज़ भी देखिए फ्रेंड्स, हर तरह की नाइटी है इधर। सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। मीना बाज़ार में हर चीज़ मिल जाती है इधर, बुरखे से लेकर वेल्स, चप्पल, हर एक चीज़ें सब कुछ मिल जाती हैं यहाँ पर। यहाँ पर हमने कॉटन के दो दुपट्टे दिए हैं, बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक है इसका। अब यहाँ से अब सामने चलते हैं, चलिए आपको और दुकानें दिखाती हूँ फ्रेंड्स। इस दुकान पर जो कुराने होती हैं, रब्बी के किताबें होती हैं, वो सब कुछ मिलते हैं फ्रेंड्स इधर। हम यहाँ पर तीसरा पारा लेने के लिए आए हैं, दिल का रसूल, तो अब यहाँ से लेकर निकल जाएंगे फ्रेंड्स। हर तरह की किताबें मिलती हैं इधर। अब यहाँ पर जूस शॉप आए हैं यहाँ पर। हमने यहाँ पर कीवी जूस ऑर्डर किया है फ्रेंड्स। मैं तो यहाँ पर जूस नहीं पीऊँगी। आप सबको तो पता है कि मेरा किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, तो मैं बाहर के जूसेस वगैरह कुछ भी नहीं पीती हूँ। तो यहाँ पर नबील, अम्मी और पप्पू तीनों के लिए जूस ले रहे हैं हम यहाँ पर। कीवी जूस बहुत अच्छा टेस्टी होता है फ्रेंड्स। टेस्ट अच्छा है। अब हम यहाँ पर मैसूर से निकल गए थे और मलवली पहुँच गए हैं हम। और यहाँ पर मलवली की लाइटिंग्स देख सकते हैं आप फ्रेंड्स। आपको मैं कहा था कि यहाँ पर सीढ़ी हब्बा चल रहा है, 3 दिन चलता है। यही संडे का वीडियो है फ्रेंड्स। मैं थोड़ा बिजी थी फ्रेंड्स, थोड़ा एडिटिंग करने में टाइम लग गया फ्रेंड्स, तो मैं वीडियो आज अपलोड कर रही हूँ। ये संडे का वीडियो है। यहाँ पर जो सीढ़ी हब्बा के जो जो दुकानें खुले हैं, मैं आपको वहाँ पर जाकर दिखाऊंगी, थोड़ा सामने दिखाऊंगी। मैं अंदर तक नहीं जाऊंगी फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। सिर्फ इस वीडियो के लिए थोड़ा सामने दुकानें जाकर दिखाऊंगी आप लोगों को। तो चलिए यहाँ पर मैं, नबील, अम्मी, फूफू, हम चारों जा रहे हैं यहाँ पर। मैसूर से डायरेक्ट मलवली आए हैं, मलवली से अब यहाँ पर दुकानें जाकर फिर घर जाएंगे फ्रेंड्स। देखिए माशाल्लाह से लाइटिंग्स कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर। यहाँ पर लोग देखिए, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर। और यहाँ पर बहुत सारे दुकानें भी हैं, फ्लावर्स के, बच्चों के खिलौनों के, पर्स वगैरह सब कुछ, अच्छे अच्छे चीज़ें हैं। कुर्ते भी हैं इधर, बहुत सारे दुकानें ओपन हुए हैं फ्रेंड्स। हम सिर्फ सामने थोड़े दुकान पर जाकर मैं यहाँ पर वीडियो ले रही हूँ। अभी भी बहुत सामने तक दुकानें हैं फ्रेंड्स, मैं नहीं जा पाई, बहुत ज़्यादा थक गई थी और लोग भी बहुत ज़्यादा थे। इस तरह से लोग रहते हैं तो मैं ज़्यादातर नहीं जाती हूँ। सिर्फ वीडियो के लिए थोड़ा जाकर मैं वीडियो लेकर आ गई हूँ फ्रेंड्स यहाँ पर।
और यहाँ पर इस तरह से जाएंगे तो मैं यहाँ पर नकाब डाल कर जाऊँगी या फिर मास्क डाल कर जाऊँगी फ्रेंड्स, इसी ऐसे ही नहीं जाऊँगी। यहाँ पर खाला और सारा हाजिरा सब लोग आए हैं और यहाँ पर मिल गए हैं फ्रेंड्स। देखिए ये सब लोग दुकानें देख चुके हैं और घर जा रहे हैं और हम सब यहाँ पर दुकानें देख रहे हैं, आप खुद देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए आप सबको भी दिखाती हूँ। आज मैं अपना व्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ आज का ये व्लॉग आप सबको ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है फ्रेंड्स, आप सब लोगों को बोर तो नहीं किया ना इस वीडियो में। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड्स। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।